टीवी का टीवी के इस एपिसोड में आज हम चलेंगे गंगा माँ के दर्शन करने गंगोत्री। गंगोत्री चार धामों में से एक धाम है। ये गंगा नदी का उद्गम स्थान है। ये स्थान उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और समुद्र तल से गंगा जी का मंदिर 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगोत्री का पतित पावन मंदिर अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलता है और दीपावली के दिन मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज रघुकुल के चक्रवर्ती राजा भागीरथ ने यहां एक पवित्र शिलाखंड पर बैठकर भगवान शंकर की प्रचंड तपस्या की थी। इस पवित्र शिलाखंड के निकट ही 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। ऐसी मान्यता है कि देवी भागीरथी ने इसी स्थान पर धरती का स्पर्श किया था। शिवलिंग के रूप में एक नैसर्गिक चट्टान भागीरथी नदी में जलमग्न है। ये दृश्य अत्यधिक मनोहारी और आकर्षक होता है। इसके देखने से दैवीय शक्ति की प्रत्यक्ष अनुभूति भी होती है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार भगवान शिव इस स्थान पर अपनी जटाओं को फैलाकर बैठ गए थे और उन्होंने गंगा माता को अपनी घुंघराली जटाओं में लपेट लिया था। शीतकाल के आरंभ में जब गंगा का स्तर काफी अधिक नीचे चला जाता है तब उस अवसर पर ही उस पवित्र शिवलिंग के दर्शन होते हैं। जाने अनजाने कई सदियों से ये मंदिर हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा स्रोत रहा है। पहले जमाने में चार धाम की यात्रा पैदल हुआ करती थी। उन दिनों में इसकी चढ़ाई अत्यंत दुर्गम थी, इसलिए वर्ष 1980 के दशक में गंगोत्री की सड़क बनी। प्राचीन काल में यहाँ मंदिर नहीं था, भागीरथी शिला के निकट ही एक मंच था जहाँ यात्रा के मौसम के दौरान 3-4 महीनों के लिए देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी जाती थी। इन मूर्तियों को गांवों के अलग अलग मंदिरों से जैसे श्याम प्रयाग, गंगा प्रयाग, धराली और मुखबा जैसे गांवों से लाया जाता था। गढ़वाल के गुरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने 18वीं सदी में गंगोत्री मंदिर का निर्माण इसी जगह किया जहाँ राजा भागीरथ ने तप किया था। पहले टकनौर के राजपूत ही गंगोत्री के पुजारी हुआ करते थे। माना जाता है जयपुर के राजा माधो सिंह द्वितीय ने 20वीं सदी में मंदिर की मरम्मत भी करवाई थी। गर्मियों के दिनों में यहाँ मौसम सुहावना और रातें सर्द होती हैं। न्यूनतम तापमान कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस होता है और अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस, और सर्दियों के समय यहाँ पर अत्यधिक ठंड पड़ती है। दिसंबर से मार्च तक यहाँ बर्फ छाई रहती है और तापमान 0 से भी कम हो जाता है। आप जब भी यहाँ जाएं तो गर्म कपड़े साथ लेकर जाएं। गंगोत्री का भौतिक दृश्य एक जादू बिखेरता है। सदियों से ये लाखों तीर्थयात्रियों को आध्यात्मिक उत्साह और हजारों साहसिकों को एक चिरंतर चुनौती देता आ रहा है। ये है गंगोत्री धाम। तो टीवी का टीवी के अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को, और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए टीवी का टीवी। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.tarunvyas.com। देखते रहिए टीवी का टीवी। नमस्कार।